सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं दो बहुत ही इजी और फटाफट बनने वाले ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। दो तरह के पराठे शेयर करने वाली हूं मैं, पनीर पराठा और फूल गोभी का पराठा। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। सिंपल सिंपल से कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, टिप्स भी बताऊंगी, जिससे कि आपका पराठा जो है, आप कितना भी उसमें स्टफिंग भर दोगे, वो बिल्कुल भी ना तो फटेगा और ना टूटेगा, और बहुत ही अच्छे से फुल करके से मार्केट में बनता है ना, सेम वैसा ही बनकर रेडी होगा। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे मेरा जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी मैं वीडियोस डालूंगी, वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्टिंग करेंगे पनीर के पराठे से। पहले पनीर का पराठा बनाएंगे और फिर गोभी का पराठा। पनीर पराठा बनाने के लिए सबसे पहले पनीर लेंगे। पनीर को, अगर आप घर पे पनीर फाड़ रहे हो तो इस तरह रहेगा, तो इसको आपको कद्दूकस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथों से मसल लीजिए। अगर आप बाजार से पनीर खरीद के ला रहे हो तो उसको कद्दूकस कर लीजिएगा। अब इसमें एक प्याज को मैंने बारीक बारीक कट किया है, इस तरह से ये डालेंगे। जितना आप प्याज डालोगे उतना ही अच्छा बनता है हमारा पनीर का पराठा। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। साथ में डालेंगे हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या आपको तीखा नहीं पसंद है, तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बड़े प्याज को बारीक कट करके डाली हूँ और 3 से 4 हरी मिर्च। आप चाहो तो हरी मिर्च कम भी कर सकते हो, या आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप ज्यादा भी कर सकते हो। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आपको नमक पसंद है आप उतना डालो। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर, ये भुना हुआ घर का जीरा पाउडर है। सजेस्ट करूंगी कि आप भुना हुआ जीरा घर का ही डालिएगा। साथ में 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम डालेंगे सौंफ पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे सौंफ का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा नहीं चाहिए या फिर आप हरी मिर्च नहीं डाल रहे हो तो आप लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिए, लेकिन अगर आपको कम तीखा चाहिए, आप हरी मिर्च भी डाल रहे हो, तो लाल मिर्च स्किप कर सकते हो। बस अब इन सबको मिक्स कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा है गाइज ये, बहुत, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए इनको मिक्स कर लेते हैं। पहले पनीर का पराठा बहुत तरीके से बनता है दोस्तों, आप इस तरह से भी बना सकते हो, इसको फ्राई करके भी बना सकते हो। थोड़ा सा फ्राई कर दीजिए पनीर को, इसमें टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं दो तरीके से और शेयर करूंगी कि पनीर का पराठा आप कैसे बना सकते हो। पनीर की कचौड़ियां भी बनती हैं, तो वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगले आने वाले वीडियो में। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस डालूंगी आगे, जो भी मेरा नोटिफिकेशन होगा, वो आपको मिल जाएगा। लास्ट में डालेंगे ढेर सारे धनिया के पत्ते और इनको मिक्स कर देंगे। अब इसको साइड में रखेंगे और आटा गूंथ के रेडी कर लेंगे। आटा गूंथने के लिए गेहूं के आटा लेंगे, आटे में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और नॉर्मल जैसे आटा गूंथ के रेडी करते हैं वैसे ही रेडी कर लेंगे। आटा देखिए रेडी हो चुका है, ना तो बहुत हार्ड होना चाहिए और न ही बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम रहना चाहिए। तो चलिए अब पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। इतना बड़ा लोई लेंगे, अगर आपको और बड़े पराठे बनाने हैं तो आप ज्यादा लोई भी ले सकते हो। अब इसको इस बीच में करेंगे और साइड से इस तरह, जैसे आलू का पराठा भर के बनाते हैं, सेम उसी तरह किनारा जो है इसका ये पतला करेंगे और बीच में ऐसा गड्ढा करेंगे। ठीक, अच्छे से स्टफिंग भरिएगा, स्टफिंग भरने में कोई कंजूसी नहीं करिएगा, क्योंकि हम घर पे अपने लिए बना रहे हैं। बाजार के पराठा आप देखोगे तो उसमें बहुत ही कम स्टफिंग रहती है, सिर्फ नाम मात्र का रहता है, लेकिन हम घर पे बना रहे हैं तो अच्छे से भरेंगे और इनको दबा देंगे, ताकि ये जब हम इसको सेकेंगे और बेलेंगे तो ये फटे ना। ये देखिए, अब इसको बंद करना है इस तरह से घुमाते हुए,
जैसे मोमोज बनाते हैं, कचौड़ियां भरते हैं, सेम उसी तरह इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब बर्तन लगाएंगे, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिससे कि सारी स्टफिंग जो है वो बराबर चारों तरफ फिल हो जाए, और हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। इस तरह से इसको बेल लेंगे, बड़ा कर सकते हो इसको, लोई थोड़ा ज्यादा लीजिएगा और बड़ा सा बेल लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है, तवा गर्म हो चुका है, इस पे एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और पराठे को उठा के इस पे डाल देंगे। ये देखिए, अब अच्छे से पहले एक साइड इसको पकने देंगे, अब इसको पलटेंगे। ये देखिए एक साइड अच्छे से पकाया हुआ है ये, अब इस पे लगाएंगे ऑयल। फ्लेम जो है हाई रखिएगा, लो या मीडियम फ्लेम मत कीजिएगा। ये देखिए, अब सेकेंड साइड भी थोड़ा सा पकने देंगे। अब इसको पलटेंगे, ये देखिए सेकेंड साइड भी पकने लगा है। अब यहां पे भी ऑयल लगाएंगे, सेम जैसे आलू का पराठा हम बनाते हैं ना वैसे इसको बना के रेडी करेंगे। अगर आपको आलू के पराठे की रेसिपी देखनी है गाइस, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। ये देखिए, अब उलट पलट के किनारों को भी इस तरह से दबाते हुए सेक लेंगे। ये देखिए पराठा कैसे फूल रहा है, स्टफिंग भी हमारी बाहर नहीं आई है। तो ऐसे ही सारे पराठों को हम रेडी करेंगे। बहुत सिंपल है, सिर्फ सिंपल सिंपल सी ट्रिक्स है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपके पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। पराठा हमारा देखिए अच्छे से सेक चुका है, ऐसे ही सेम सारे पनीर के पराठों को बनाकर रेडी कर लेंगे। उसी तरह दूसरा लोई लेंगे, उसमें स्टफिंग को भर दिया है मैंने, अब इसको बेल लूंगी और फिर सेक लेंगे। ये देखिए इस पराठे को भी मैंने बेल लिया है, चलिए इसको सेक लेते हैं। सेकने के लिए सेम उसी तरह से पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तवे पे, आधे चम्मच से भी कम, और अपने पराठे को इस पे रख देंगे। फिर इसे पराठे को रखेंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे। ये देखिए एक साइड अच्छे से सेक चुका है पराठा, इस पे मैंने पलट दिया इसको और इस पे लगाऊंगी ऑयल। अब इसको पलटेंगे, सेकेंड साइड भी अच्छे से पक चुका है, इस पे भी ऑयल लगा देंगे। ये देखिए कैसे फूल रहा है हमारा पराठा। कुछ सिंपल सिंपल सी ट्रिक्स रहती हैं, अगर आप उसको फॉलो करो तो बहुत ही अच्छा सा पराठा बना सकते हो, बिना फटे और बिना आपके पराठे टूटे, टूटेगा भी नहीं। स्टफिंग अगर आप ज्यादा भरोगे तो भी आपके पराठे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वरना नॉर्मली क्या होता है कि पराठे टूट जाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और बस ऐसे हल्का सा प्रेस करते हुए इसको सेक लेंगे उलट पलट के। ये देखिए कितना अच्छा फूल रहा है। अब जब ऐसे प्रेस करोगे तो ये बीच में से फूलने लगेगा इस तरह से। बस रेडी है ये मेरा पराठा, चलिए इसको प्लेट पे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए रेडी है पराठा हमारा पनीर का। अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो मैं इसको काट के आपको दिखाती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर का कैसा लेयर आया। पराठे के लिए कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, ऑयल को गर्म करेंगे, इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग के बाद एक बड़े प्याज को बारीक कट किया है वो डालूंगी, साथ में 4 से 5 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप तीखा आपको पसंद है। अब इनको फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा रेड नहीं करना है हमें, सिर्फ हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए प्याज का, इतना फ्राई करेंगे, हल्का सा ब्राउन करेंगे बस। यहाँ पे मैंने गोभी को, फूल गोभी को कद्दूकस करके रखा है,
गोभी को कद्दूकस कर लीजिए, उसकी जो डंडी रहती है उसको भी आप कद्दूकस कर लीजिए, उसको फेंकिएगा नहीं, उसके फूल को और उसकी डंडी दोनों को ही कद्दूकस अच्छे से कर लीजिएगा। प्याज देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, हल्का सा सिर्फ फ्राई करना है हमें। अब साथ में ही कद्दूकस किया हुआ गोभी, फूल गोभी डाल देंगे, फ्लावर जिसको बोलते हैं, फूल गोभी जो है इसको साथ में डाल के 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आपको पसंद हो, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच से भी कम, मिक्स करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच से कम है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आपको पसंद हो, ये तीखा वाला लाल मिर्च है। एक चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, अब इनको मिक्स करेंगे, साथ साथ में ही सारे मसाले भी हमारे भूजते जाएंगे, बहुत ज्यादा इसको हमें नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। 1/2 चम्मच से भी कम गरम मसाला डालेंगे, इन सबको मिक्स करेंगे और फिर से 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। ढेर सारे धनिया के पत्ते, देखिए स्पाइसी सा गोभी पराठा की स्टफिंग बनकर रेडी है, फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर चलाते हुए 1 मिनट के लिए इनको और फ्राई कर लेंगे। तो बस रेडी है हमारा गोभी पराठे की स्टफिंग, चलिए इसको प्लेट पे निकाल देते हैं और ठंडा होने देते हैं। ये आटा गूंथ के रेडी कर लेते हैं। गोभी की स्टफिंग देखिए ठंडा हो चुका है, चलिए इसके पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठा बनाने के लिए मैंने आटे को गूंथ लिया है, सेम जैसे पनीर के पराठे के लिए गूंथा था सेम वैसे ही इसको गूंथ के रेडी किया है, न ज्यादा टाइट और न ज्यादा नर्म रहेगा। तो चलिए पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। सेम जैसे पनीर का पराठा किया था वैसे ही गोभी के पराठे के लिए भी मैंने लोई लिया है, साइड से पतला किया है और बीच में होल कर दिया है। अब इसमें स्टफिंग भरेंगे, देखिए सेम पनीर की तरह इसमें भी अच्छे से स्टफिंग भरेंगे, बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे। सेम जैसे पनीर के पराठे को मोड़ा था वैसे इसको भी बंद कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से घुमाते हुए जैसे मोमोज बनता है, देखिए अब इसको ऐसे गोल गोल कर लेंगे, प्रेस करेंगे ताकि स्टफिंग बराबर सबसे तरफ बराबर हो जाए और इसको अब बेल देंगे। ये देखिए इस तरह से बेल लेंगे, आपको जितना बड़ा चाहिए आप उतना बेल सकते हो, और सेम जैसे पनीर के पराठे को सेका था वैसे इसको भी सेक लेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे तवे पे और पराठे को इस पे रख देंगे, एक साइड से अच्छे से होने देंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे। एक तरफ सेक चुकी है, अब इस पे ऑयल लगाएंगे, रिफाइंड ऑयल, ये देखिए कितने अच्छे से पराठा फूल रहा है मेरा। सेकेंड साइड मैंने पलट दिया है, अब इसके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे, बहुत ही हल्के हाथों से लगाइएगा, ज्यादा दबाइएगा नहीं। अब देख सकते हो बिल्कुल भी मेरा पराठा जो है ना तो टूटा है और ना फटा है, बिल्कुल भी नहीं फटा है मेरा पराठा, आप देख सकते हो, ये देखिए और कितने अच्छे से ये फूल रहा है। अब ऐसे ही उलट पलट के इसको हम पका लेंगे। ये देखिए रेडी हो चुका है हमारा गोभी का पराठा, चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, इसको भी कट करके दिखाऊंगी कि कैसा लगता है ये अंदर से। सेम इसी तरह सारे गोभी के पराठों को बनाकर रेडी कर लेंगे। रेडी है हमारा पनीर और गोभी का पराठा, ये देखिए ठंडा हो चुका है, मैंने तोड़ दिया है, ये देखिए अंदर से कैसा दिख रहा है, कितना अच्छा, जितना अच्छा ये दिख रहा है उतना ही टेस्टी होता है गाइस। आप पनीर का भी देख सकते हो अंदर इसका लेयर कितने अच्छे से भरा हुआ है हमारा स्टफिंग। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी, इसको आप चटनी के संग, सॉस के संग या फिर किसी भी रायता के संग, बूंदी का रायता हो गया, वेजिटेबल्स का रायता हो गया, आप उसके संग सर्व कर सकते हैं।
अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इससे मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको मिल जाए। आगे मैं और भी कई तरह के पराठे और कचौड़ियों की रेसिपी शेयर करने वाली हूं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और अगर आज की वीडियो पसंद आई तो खूब सारा इसको शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।